हेलो दगड़ियों नमस्कार। तो टुडे आई एम ट्रैवलिंग टू अंजनीसैन। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको रास्ते में क्या क्या पड़ता है इधर। दिस इज अ नेचुरल वाटर इन निकलिंग टू पटनका कगबेटी एंड वेरी कबलाट इन माई झुकड़ी माई मनोहर इन केस इज द आई एम डुबकी मारिंग एंड दिस साइड इज वेरी गगलो। नो गगलो नहीं, दिस इज अ पांगलो एंड पानी जाएंगे तो उदू वेरी ठंडू पानी। तो हम पहुंच चुके हैं थोड़ा आगे। तो देखिए, लुक एट दिस, दिस कुड़ू इज वेरी अंधारपट एंड वेरी जंगल का बीच एंड एवरीबडी नॉट कमिंग दिस कुड़ा उन्डे फंडे नो सांस बास बिकॉज दिस कुड़ू इज़ वेरी इग्लिकार एंड कभी अगर माचिस भी ख़त्म होएंगे तो उन्डे फंडे भी नहीं जा सकेंगे एंड वेरी भयानक स्थिति में दिस कुड़ू। एंड लुक एट दिस, दिस कुड़ू इज पठालचो एंड नॉट सिमट इज कम एंड लेफ्ट साइड इज छिंचगुडाल एंड वेरी फर 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 हवा दिस कुड़ा एंड दिस कुड़ा मन की इज वेरी जाट बुद्धि एंड वेरी सुंदर बाग इज तक दुरंध वाला बट नॉट डरिंग एंड अंजनी सैन इज टॉप मा। तो आई एम जाइंग उधर। तो अंजनी सैन अभी बहुत दूर। तो दिस इज अ डाल ऑफ तिमला एंड बिग ब्रदर ऑफ खेणा दिस तिमला एंड वेरी सात इन इसके पेट एंड वेरी मज़ा आएंग इन कबल्च कबल्च खाएंग एंड तिमला इज अ वेरी मिठू एंड दिस पाका इज वेरी खड़कुड़ू and this side is very jungle and anjini sand abhi bijandur and road is a very nakhri and very gadda in road par and my jhukdi is very kalt balt because I am satad batad daring and this is my bike and I am chalaing phur phur but tyal ajgal is bijam mango to I am बिजा न्यूट्रल खींचिंग एंड धक्का मारिंग बिकॉज आई हैव नो मनी एंड गारंटी रोजगार पैसा इज अजगाल नोट कम फॉर माई अकाउंट एंड माई फीलिंग टुडे इज वेरी मनखी बिकॉज टुडे आई एम नहाइंग एंड धोइंग अपनी काली मुखड़ी एंड पेरिंग टोपलू एंड माई लुकिंग टुडे इज वेरी मनखी एंड घाम इज वेरी तड़तुड़ू एंड सीधा लोली पर एंड निकलिंग पसीना एंड माई बॉडी इज वेरी सिपाण इन आबारी बट आई एम जाइंग अंजनी सैन। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये है चंद्रवर्णी मंदिर और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये वाला, इसका नाम पहले चंद्रकूट था और जब माता सती का यहाँ पर बदन गिरा था तो तब से इस मंदिर का नाम यहाँ पर चंद्रवदनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही चोटी पर है ऊपर और यहाँ से तकरीबन होगा 20-25 किलोमीटर। और ये देखिए आप यहाँ का नज़ारा और अंजनी सैन अभी इधर है ऊपर टॉप में। तो देखते हैं अंजनी सैन
क्या क्या हो रहा है भल उधर, तो चलते हैं तब। तो अंजनी सर मार्केट से अब जा रहे हैं हम घर की ओर, और सड़क आप देख रहे होंगे, सड़क इज वेरी 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 खगड़ाट है सड़क इन अंजनी सर से उदो वाली हमारे वाली वेरी कुछ, एंड दिस रोड इज इन साइड एंड दिस साइड इज वेरी कटा। एंड ये देखिए आप, ये हैं यहाँ के खच्चर, हैं ये खच्चर, ये खच्चर, और ये पहला मोड़ कटता हुआ खच्चरों का, और यहाँ पर दो लोग बैठ रखे हैं। एंड टुडे आई एम अंजनी सैंड मार्केट काटिंग अपनी चुपली, एंड काटिंग हियर, एंड आवर माई फीलिंग इज वेरी ठंडू ठंडू बिकॉज माई एम आई एम फीलिंग सुबेरी तक वेरी जिंगलाने एंड वेरी जक्स, एंड आवर माई फीलिंग इज वेरी मनखी एंड वेरी ठंडी ठंडी हवा लगिंग इन कंगूर पर, एंड सुबेरी तक इज वेरी ढकिया ढकिया सी बालू की जटा आई एम काटिंग, एंड माई फीलिंग अवर इज वेरी कूल एंड वेरी मनकी। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया धीरे धीरे, गढ़वाल से हमारे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, तो लोग इनको सड़कों में छोड़ रहे हैं जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और ये देखिए आप यहाँ का नज़ारा, वाह, दिस साइड इज वेल वेरी जंगल एंड वेरी डरिंग फॉर मी बिकॉज आई एम अवारी वेरी यकुलकार एंड बाघ आइंग जम मर माई कांटे पकड़िंग जम एंड आई एम वेरी डरिंग एंड अवारी आई एम तेल बचाइंग गाड़ी न्यूट्रल बिकॉज आई हैव नो मनी, कोई कत नहीं, एक रुपये नहीं, तो आई एम तेल बचाइंग। I am repeat, today weather is very bako, very chatakta gham in dear this side, and my mukhdi is very pasina ka dhara, I am so very nahing, but avari my feeling is very sipan, because my body is very tarbatar pasina se, and very sipan in my body,
एंड आई एम सोचिंग कि घर जाकर फिर से नहाएंगे, बट पानी इज़ वेरी ठंडू अबारे आई एम लगिंग गांव पर पानी लगिंग वेरी ठंडू तो वेरी कांड फॉर आई एम नहाएंगे की वेरी कांड बट देखते हैं सरारा पा पा चली बे मोटर चली सरारा पा चली बे मोटर ये डले बर भेजी ये कलेंडर भेजी एक कुटू गुए रहेंगी जरा हाथ गए आप जा रहे हैं हम घर की ओर और देखते हैं क्या क्या होता है आगे रास्ते में एंड आई एम बट नोट फॉर एक्साइटेड बिकॉज आई एम सुबह वक्की बिटी आएंगे एंड वक्की बिटी हमारे हम घर जाएंगे तो आई एम नोट एक्साइटेड बट बट तो वही अलग घर जाना है एंड रोड इज़ वेरी खाली कोई कदम की नहीं किलोमीटर रह गया हमारा गांव 20 किलोमीटर दूर है बट वेल आई एम वेल टुडे वेल वेरी स्मार्ट लगिंग एंड आई एम ऑलवेज स्मार्ट एंड ऑलवेज खराने माय मुखड़ी मेरे वेरी एक्सपीरियंस ड्राइवर एंड दुई हाथ छोड़िंग आई एम कबारी कबारी बट अगर आई एम फर्किंग तो गुंडा मुंडा सब टूटिंग एंड वे के बाद माई जुगड़ी इज वेरी आजकल तो पैसे भी नहीं है ना सची से पर मैं तो मैम पैसे भी नहीं आजकल बुरा हार भेज आला तो हमारे आई एम जखमा खड़ा हो एंड यहाँ से आप नज़ारा देखिए बहुत ही जबरदस्त तो इस डायरी कुएं की डायरी एंड कुएं की डायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड बिकॉज दिस हवा इज वेरी सर 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 चलिंग एंड हमको मिलिंग प्योर ऑक्सीजन बट कुएं का फिल्टर इज वेरी नखरू वेरी आवागी फिल्टर जिस फिल्टर में खुटू ठस रनिंग एंड यकम अगर कोई रनिंग तो वक्त से तो भीड़ सड़ के मैं कपाल फूटिंग एंड पिजाम नुकसान होगी इसलिए फिल्टर इज वेरी नखरू एंड वेरी बेकार जिस कुएं का डाला दिस इज ए बेबी ऑफ कुएं बेबी ऑफ डाला इन कुएं नजरों को खेल वक्त तक कुलाए कुलाए एंड पर्ची पता नहीं क्या आगे लगाएंगे तीस जंगल आग एंड वेरी पिपड़कार मचिंग तीस जंगल एंड बिगाम नुकसान होएंगे इन छंजिटाओं का अगर मैं को मिलिंग हो तो मैं तो सीधे सारे के लोजी फोड़ी एंड दिस इज बेबी ऑफ छिंची एंड दिस इज आई कूलर डाउन पुलार तो चलते हैं आगे ये देखिए यहाँ पर गेस्ट के रुकने के लिए बना रखा यहाँ पर बिल्कुल VIP हम जन लोग तो हैरान कखन रहना हम जन कोड़ूंगा हैरान जो बूंदिया बनाई किस कारीगर ने तराश है इसको उसका बल हम सी जबल घंटे पे भी लग जाएंगे जिस कारीगर ने इसको तराश है दिस वाइट पेड़ इज घरावा एंड
मर गई मर नहीं लेटा हूँ नहीं हैं आए देखो जो पकड़ रहा है और लाल फूल इसके बुज्जी खाएंगे एंड छोटा मैम ये पर बिजान के सोन लगाएंगे कि क्या कर दूंगा जोर तो भाई आज गोगड़ाओ गोगड़ा है गोगा फूल एंड ये प्रपोज करने के लिए बहुत ही अच्छा सा फूल है ये गोगा का एंड नोनी तुमका कभी नाम बने नहीं है अगर तुम गोगा बोली के जा रहे ना नोनी कहा पर तुम प्रपोज देगी कोई देगी जरूरत ही नहीं बात तुम ऐतवार दिन क्या तुम शनिवार दिन जा रहा ना जैसे भूत पूजन नोनी बन की बस आई मिस यू फूल देखी कैसे आई मिस यू क्या भी पहली बार देखी बोलूँ आई लव यू भी नहीं हो बने से आई मिस यू यू चुको वाला डाउ कि बोलने का गराला डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम इन बल गराला कभी कभी बोलिंग बल गोगा वाह माल कभी कभी बोलिंग वाह गराला तो यहाँ लग रहा है पावर हाउस छोटा सा पावर हाउस जिसके यहाँ पर इन्होंने घेरबाड़ कर दी है कहे मांस तो बोले अब डूंगा ढंगा नहीं चलाओ प्लेट प्लेट नहीं पड़ो बोले हमारे और पट्टी त्यू सबल पट्टी सुन पूछा बल कका बल पट्टी और अब फूलों की बार होनी छोटे छोटे नौ निरंजन नोड़ा डालन फूल और हम आ टाइम पर क्यों तो हम बुढ़े हुए तो बुढ़े और तब तक हम फूल डाल तो वो मेरे पैसे भी नहीं था थोड़ू खर्च करता तो हम कटा जन फूलू मैंने लगो तो लगेगा एक महीना बाद फिर से तुरंत थो स्टार्ट और तब देना था दुई चार मौका एक डाल था फूल सुबह सुबह ड्यूटी लग जाते और तब मिलता था दस दस रुपया दस दस तो खैर बहुत बाद में पहले पाँच पाँच रुपये मिलता था ना बाद बाद हम दस दस रुपये में और तब करता था हम फिर चालीस पचास रुपये कट्ठी वह के बाद जानता तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आइसक्रीम कितने रुपये क्या भैया तो वो बोलते तो आइसक्रीम बोला बस तीन रुपये के वो लाल भाई तो हम खाने नहीं तो हम सबसे लास्ट में खाना तो तब तक सस्ती हो जाने वो और लास्ट में लेना था तब हम दो चार कुखड़ा बच्चा लेना था ना और बस वो फार्मी सफेद सफेद घर कुछ हर जानता ना बाकी जो घर पहुँचे तनु घर क्या रात दौड़ एक किड़क ताल मारे रे कुकड़ो सुबह ने टांगड़ा खड़ा जय श्री राम बोल देता सीधा एक किड़क ताल हमारी दिस शेरा जमिंग क्यों एंड वेरी लप लप जमिंग हमारी क्यों वेरी हरिया एंड सीधा मति धारम लामदार एंड जिस गांव ने मिस करा कोट तुम्हारो उलवर फटू कोटा मार्गों के नंबर घर कोट तो ये है गरा कोट ऊपर लामरी धार और ये देखे आप क्या नज़ारा है वाह 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 फिर मना कानू की बेड़ जान से ऋषि तो खे जान थे सॉरी हो जो पर वह बाप पता नहीं क्यों बोलता भाई सत्तर बात यहाँ से जाएंगे कहाँ से गंसाली जाएंगे गंसाली मेहनत कहाँ था जान बड़ बड़ बड़